हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूंगी गुड वाइब्स के पपाया रिज्यूविनेटिंग स्क्रब का और गुड वाइब्स के पपाया ग्लो फेस मास्क का। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 1 मंथ पहले मैंने अपना पर्पल हॉल शेयर किया था, एक उसमें मैंने ये प्रोडक्ट्स परचेज करे हुए थे, तो मुझे तब ये रिसीव हुए थे। और आपने देखा ही होगा कि उसमें मुझे बबल रैप होके बहुत ही सेफ पैकेजिंग के साथ ही रिसीव हुए थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना लेट इनका रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना था, उसके बाद ही मैं आपके साथ इसके ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकती थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा है, सच में ये इफेक्टिव है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पपाया गुड वाइब्स पपाया रिज्यूविनेटिंग स्क्रब की। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। यस, तो ये ग्लास जार में रिसीव होता है। ग्लास जार है ये, बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है इसकी और बिल्कुल छोटू सी ही है ये। आप अपने बैग वगैरह में इसको कैरी कर सकते हो। तो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ग्राम और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। यस, और मैं आपको बता दूं इसका प्राइस है 195 रुपीज। क्वाइट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वांटिटी, बट इट्स ओके क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी इसके पार्टिकल्स की और इसका टेक्सचर कैसा है। जैसे मैंने इसको ओपन किया है, यहाँ पे एक वाइट लिड होता है, इसके साथ प्रोडक्ट के बाहर निकलने का भी कोई डर नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने इतना तो यूज़ कर ही लिया है, ऑलमोस्ट फिनिश ही है ये। आप देख सकते हो थोड़ा सा ही इसमें है, तो मैं आपको बताती हूँ इसके, थोड़ा निकाल के दिखाती हूँ। यस, देख सकते हो ऐसा कुछ टेक्सचर है इसका, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और जो इसमें पार्टिकल्स हैं, जो ग्रैन्यूल्स हैं, वो बहुत ही माइल्ड हैं। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत लाइट है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ओवर पावर नहीं है कि आपको इरिटेट करेगी। तो इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। और गाइज मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके फेस से डेड स्किन सेल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है और बहुत ही सटल सा ग्लो देता है आपकी स्किन पे। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी पपाया फेस मास्क के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा लेना है अपने फेस पे करके, थोड़ा सा ही मुझे चाहिए। इसको बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपको स्क्रब करना है, सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे आपको स्क्रब करना है, नोज के अराउंड पे, लिप्स के अराउंड, और ये सब यहाँ पे ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं तो आपको बहुत हल्के लाइट हैंड से आपको इसको स्क्रब करना है और 5 to 7 मिनट्स तक आपको स्क्रब करना है इसको। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ क्लीन करती हूँ अपना फेस, मेरे पास एक वेट स्पॉन्ज है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक स्पॉन्ज है, मैं इसी से ही अपना कोई भी स्क्रब या फेस मास्क क्लीन करती हूँ। तो इससे मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है, 5 to 7 मिनट्स मैंने स्क्रब किया है अच्छे से। आपको स्क्रब करने के बाद खुद फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ही एकदम से रिफ्रेशिंग फील कर रही है और डेड स्किन सेल्स सारे रिमूव हो गए हैं। तो चलिए अब मैं मास्क के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास है पपाया ग्लो फेस मास्क, देख सकते हो। ये एक प्लास्टिक जार में आता है, इसका ये ग्लास जार नहीं होता। इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 50 ग्राम। इस पे मेंशन है नो पैराबेंस, नो सल्फेट, क्रुएलिटी फ्री, नो मिनरल ऑयल। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें सारे ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सब पैराबेंस सल्फेट नहीं है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। यस, और इट रिटेल्स फॉर 225 रुपीज, क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है मेरे को अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्वांटिटी, बट इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मेन इंग्रेडिएंट है पपाया, पपाया बिकॉज वेल पपाया नॉन फॉर फाइटिंग पिगमेंटेशन एंड ब्लैमिशेस, पपाया क्लियर्स द स्किन एंड लीव्स इट हाइड्रेट एंड सपल। जी हाँ, तो जो पपाया फ्रूट होता है एक ऐसा फ्रूट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। जब आप उसको कोई भी पपाया फेस मास्क या स्क्रब अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता।
और दूसरी बात यह है कि पिगमेंटेशन और ब्लैमिशेस से बहुत अच्छे से फाइट करता है। जिनकी स्किन पे अनइवननेस पिगमेंटेशन होगी होती है, पपाया जिस मास्क या जिस स्क्रब में पपाया एडेड होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हो। इवन ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने जो स्क्रब यूज किया है पहले, उसमें भी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। मेन इंग्रेडिएंट उसका भी पपाया ही है। पपाया लोडेड विद विटामिन ए एंड पपाइन एंजाइम। पपाया रिमूव्स डेड स्किन सेल्स एंड रिजुविनेट द स्किन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेड स्किन सेल्स इसने सारे रिमूव कर दिए हैं स्क्रब ने। चलिए अब फेस मास्क अप्लाई करके बताती हूँ। ऐसा कुछ इसका टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा टेक्सचर है इसका। तो इन्होंने टेक्सचर इसका बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, लाइक बहुत ड्राई वाला नहीं है और बहुत ऑयली भी नहीं है कि आपकी स्किन को बहुत ऑयली करेगा, बहुत ड्राई, बिल्कुल अच्छा सा इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। ना तो ये स्किन को ड्राई करेगा और ना तो ये एक्सेस सॉइल निकालेगा, बहुत अच्छे से मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा स्किन पे। चलिए अप्लाई करते हैं। आप इसको ब्रश या फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रखिए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि कोई भी फेस मास्क अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करा कीजिए। ऐसा होता है कि जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन लटकना स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है कोई भी फेस मास्क, वही उसका सही तरीका होता है। चलिए ऑलमोस्ट मेरा अप्लाई हो गया है। इसको मुझे ड्राई होने तक ऐसे ही रखना है। तो 10 to 15 minutes में ये ड्राई हो जाएगा। चलिए ड्राई होने के बाद मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक। आप देख सकते हो मेरा मास्क अच्छे से ड्राई हो गया है, ये फेस पैक। अब मैं इसको क्लीन करूंगी वेट स्पॉन्ज के साथ। आप देख सकते हो मैंने इसको क्लीन कर लिया है। इसके बाद आप चाहो तो अपना फेस वॉश भी कर सकते हो नॉर्मल वाटर के साथ। आप देख सकते हो एक ही एप्लीकेशन में इसने कितना स्मूथ बना दिया है स्किन को। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि स्किन ड्राई होगी, ऐसा लग रहा है कि मॉइस्चराइज है बहुत अच्छे से स्किन और बहुत ही क्लीन ऐसा लग रहा है, रिफ्रेशिंग फील हो रहा है इसके एक बार यूज़ करने के बाद ही। तो मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ डार्क स्पॉट्स थे कुछ फेस पे, काफ़ी हद तक लाइट हुए हैं वो, और आपको अपनी स्किन टोन भी लाइट दिखेगी। इसको एक मंथ या टू मंथ आप यूज़ करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स के नज़र आएंगे डेफिनेटली। और गाइस मैं एक बात और बताती हूँ कि सबके पास DIY करने का टाइम नहीं होता है। वैसे तो मैं आपके साथ बहुत DIY फेस मास्क शेयर करती रहती हूँ, फेस पैक और आगे फेस स्क्रब भी शेयर करूँगी, बट सबके पास टाइम नहीं हो पाता है। कई लोग वर्किंग होते हैं, उनके पास DIYs करने का टाइम नहीं हो पाता, तो आप उसके इंस्टेड ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये पपाया गुड वाइब्स के, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं, स्ट्रॉबेरी, रोज़ और बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, आप purple.com पे जाके चेक कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, इनमें भी कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ इनको यूज़ करिए। समर्स में तो स्पेशली आपको स्क्रब यूज़ करना ही चाहिए, वीक में 1 to 2 times। मुझे नहीं पता कौन कहता है कि स्क्रब फेस को खराब करता है, डैमेज करता है। बहुत सुना हुआ है मैंने, लोग कहते हैं नहीं स्क्रब करना नहीं चाहिए, डैमेज करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रब फेस को डैमेज नहीं करता है, इनफैक्ट वो आपकी स्किन के डेड स्किन सेल्स को निकालता है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स और जो बहुत ही रफ स्किन हो रखी है, डल स्किन हो रखी है, उसको वो रिमूव करता है और स्किन को एक स्मूथ सेटल ग्लो देता है।
तो आपको कोई भी स्क्रब, कोई भी एक्सफोलिएटर वीक में 1 to 2 times तो यूज करना ही होता है, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रूटीन है। तो प्लीज आप इसे ट्राई करिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और मेक श्योर कोई भी फेस पैक अप्लाई करने के बाद, जब आप उसको क्लीन कर लेते हैं फेस को, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करा कीजिए, सो दैट आपकी स्किन थोड़ी सी भी ड्राई आउट ना हो। तो मैं तो हमेशा यूज करती हूँ अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर, बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। समटाइम मैं जॉनसन बेबी क्रीम भी यूज कर लेती हूँ। तो गाइज ये तो बहुत ही अच्छा है, 2 months हो गया मुझे इसको यूज करते हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को इसके। तो गाइज अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय।